दोस्तों मोदी जी के इशारे पर काम करने वाली ईडी को फिर एक बार सरेआम जलील होना पड़ गया। अदालत में ईडी की फिर एक बार घनघोर बेइज्जती हुई। इतनी बेइज्जती कि वीडियो आगे देखने के बाद आपको पता चलेगा ईडी किस तरह से विपक्ष को टारगेट कर रही है और पूरी तरह से इस बार ईडी एक्सपोज हो गई है। ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये अब अदालत भी जजेस भी मानने पर मजबूर हो गए। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको कि फिर एक बार जज ने, अदालत ने किस तरह से ईडी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। तो रिपोर्ट को पूरा जरूर देखें, पहले देशनीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अब ये पैटर्न सा बन गया है दोस्तों, पहले ईडी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करती है, फिर मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट पुख्ता सबूत नहीं होने फैसला ईडी के खिलाफ सुनाता है और विपक्ष के नेताओं को जमानत दे दी जाती है। इस बीच क्या जाता है कि वक्त की बर्बादी होती है, क्योंकि चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाता है और चुनाव को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। यह आरोप मोदी शाह पर लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के विधायक सुरेंद्र पनवार के केस में। ईडी ने सुरेंद्र पनवार को 20 जुलाई 2024 को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून के अंतर्गत अरेस्ट किया था। इस पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पनवार को हरियाणा चुनाव से ठीक 10 दिन पहले बरी कर दिया और ईडी द्वारा किए गए गिरफ्तारी को अवैध असंवैधानिक करार दिया। इसके पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीआरएस चीफ के चीफ जो है चंद्रशेखर राव की बेटी कविता राव को भी अरेस्ट किया था और इनमें से किसी भी नेता के खिलाफ ईडी पुख्ता सबूत अदालत के आगे पेश नहीं कर पाई थी और इन सब में कोर्ट ने एक एक करके सबको जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए क्या कहा था कि जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। कविता बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को जब बरी किया गया तब भी उन्हें बेल देते समय भी हाईकोर्ट ने यह बात कही थी कि ईडी जो है वो साइंटिफिक एविडेंस देने में अक्षम है, इसीलिए हम उन्हें रिहा करते हैं, हम उन्हें बेल देते हैं। अगर ईडी के रोल पर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के सत्ता में आने के बाद नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए केसेस में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 से लेकर के 2022 तक ईडी ने जितने भी नेताओं की करप्शन मामले में जांच की उनमें से 95% नेता विपक्ष के थे। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक 121 नेताओं को ईडी ने जांच के दायरे में लिया, जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, छापेमारी हुई, रेड की गई और सवाल पूछा गया उनसे, गिरफ्तारी हुई। 115 नेता इनमें से विपक्ष के थे, यानी 95% नेता जो है विपक्ष के हैं। लेकिन ईडी के स्ट्राइक रेट अगर आप जानेंगे तो आप हंसेंगे कि आपको पता चल जाएगा ईडी जो है वो कुछ और नहीं कर रही है, किसी के इशारे पर दुम हिला रही है। ईडी का मुद्दा विपक्ष लगातार संसद में उठाता रहा, संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर लगातार बातें हो रही हैं और विपक्ष ये कहता रहा कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ईडी ये कहता रहा कि वो एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है। दोस्तों अगर हम देखेंगे कि 2014 से लेकर के अब तक ईडी ने किस किस पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की तो साफ हो जाता है कि ईडी और सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ किसके खिलाफ जांच कर रहे हैं। जिन नेताओं को 2014 से लेकर के अब तक जांच किया गया उसमें से कांग्रेस के 24 नेता हैं, टीएमसी के 19 नेता हैं, एनसीपी के 11 नेता हैं, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जो है उनके अंडर 8 नेता हैं, डीएमके के 6 नेता हैं, बीजू जनता दल के 6 नेता हैं, आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, समाजवादी पार्टी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 3
और YSRCP के 3, CPM के 2, NC के 2, PDP के 2 नेता शामिल हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप स्ट्राइक रेट पर नजर डालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी टिप्पणी की थी कि ईडी आपके स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब है, यानी आपके अंडर 5000 केसेस रजिस्टर हैं, उनमें से सिर्फ 40 को आप दोषी ठहराने में नाकामयाब हो पाए थे। यानी 5000 केसेस ईडी के अंदर पीएमएलए के अंडर रजिस्टर्ड है अभी जो है, जिन पर जांच चल रही है, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 को ईडी ने दोषी के तौर पर साबित कर पाई ईडी। ऐसे में आप सोचिए 5000 में से सिर्फ 40 दोषी पाए गए, यानी ईडी की स्ट्राइक रेट जो है बहुत ही खराब है। इनमें से दोस्तों जिन नेताओं के बारे में, जिन पार्टियों के बारे में, पार्टियों के किन किन नेताओं पर, कितने नेताओं पर मुकदमे दर्ज है, पीएमएलए का मामला चल रहा है, उनमें से जिस भी नेता ने बीजेपी ज्वाइन किया उसके खिलाफ केसेस को खत्म कर दिया गया, उनके खिलाफ जांच को बंद करा दिया गया। 2014 से लेकर के अब तक 25 ऐसे नेता हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे, उनके खिलाफ ईडी ने केस किया, जांच शुरू की, फिर उन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के वो एकदम सफेद हो गए और उनके खिलाफ चल रहे ईडी के केसेस को बंद कर दिया गया। इन 25 नेताओं में 10 कांग्रेस से हैं, 4 एनसीपी से हैं, 4 शिवसेना से हैं, 3 टीएमसी से हैं, 2 टीडीपी से हैं, समाजवादी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस से भी कई नेता हैं। इन 25 नेताओं में से 6 नेता इसी साल लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। तो क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी इस जांच एजेंसीज को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करती है? जिसे डराना होता है उसे बीजेपी इसके जरिए डराती है और डरा करके बीजेपी या तो साथ में कर लेती है, फिर उन नेताओं के खिलाफ जांच बंद हो जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे 2014 में, सीबीआई ने शारदा चिटफंड स्कैम मामले में उनसे पूछताछ की थी, उनके घर पर छापेमारी हुई थी और 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ केस को सीबीआई ने बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में केस चल रहा था, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये केस रुक गया। अजित पवार का भी वही हाल है, अब तक MVA महाविकास अघाड़ी के साथ जब तक वो थे तब तक उनके खिलाफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़े अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर था। वो NDA में शामिल हो गए तो इस केस को फिलहाल के लिए इस केस से उनका नाम जो है उसे हटा गया और क्लोजर रिपोर्ट से उनका नाम भी गायब कर दिया गया, फाइल बंद कर दी गई। क्या बीजेपी सरकार में ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए था वो उनके हाथों के कठपुतली बन गए हैं? इसका जवाब आपके पास है दोस्तों। सरकार को जब भी किसी नेता को बीजेपी में शामिल कराना होता है, चुप कराना होता है, वो उसके खिलाफ जांच शुरू करवा देती है और स्ट्राइक रेट के मुताबिक 5000 केसेस अगर ईडी के अंडर है, ईडी अगर किसी पर जांच 5000 केसेस पर जो है जांच पड़ताल कर रही है, तो उनमें से सिर्फ 40 ऐसे केसेस होते हैं जो सच में बाद में दोषी पाए जाते हैं, बाकियों को बरी कर दिया जाता है, बाकियों को बेल मिल जाती है, बाकियों के खिलाफ सीबीआई हो, ईडी हो, सबूत जुटाने में कोर्ट के सामने अक्षम साबित होती है। एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना तोड़कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई तो सदन में ईडी के नारे लग रहे थे। कहने का मतलब साफ था कि अगर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल नहीं होते तो उन पर भी सरकार किसी ना किसी ईडी सीबीआई का रेड लगा देती। इसी के चलते तमाम विधायक, एक बड़ा जत्था जो है वो बीजेपी में शामिल होकर के सरकार बनाई। लेकिन दोस्तों एक बात सोचने वाली है कि किसी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को राजनीतिक षड्यंत्र करके जेल भेजना और सरकार को गिराने की कोशिश करना, वो भी इन जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के, इन जांच एजेंसियों का ये सब करते जाना एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र और लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने की ओर इशारा करता है। ईडी दफ्तर, सीबीआई दफ्तर और साथ ही साथ हमने सेबी का भी मामला देखा कि किस तरह से ये तमाम एजेंसियां जो है वो सरकार के आगे नतमस्तक हो चुकी है, शायद उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। बड़े बड़े अधिकारी, आला अफसर जो है, IPS IAS अधिकारी जो है, वो सरकार के आगे नतमस्तक है, उन्हें कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है।
इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरह से हरियाणा चुनाव से ठीक 10 दिन पहले कांग्रेस दिग्गज को हाईकोर्ट हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने जिस तरह से बिल दिया और साथ में ये कहा कि ईडी जो है वो पुख्ता सबूत जुटाने में अक्षम है, और ये बात हर किसी के केस में, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कविता हो, चाहे केजरीवाल हो, हर किसी विपक्षी नेताओं के नेताओं का मामला जब कोर्ट पहुंचता है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जजेस का एक ही बात पर हर एक जजेस फोकस कर रहे हैं कि ईडी अपना काम निष्पक्ष नहीं कर रही है, ईडी जो है इनके खिलाफ सबूत जुटाने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके इसके लिए देशनीति की मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखने के बाद एक लाइक करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।